नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गोदरेज की वॉशिंग मशीन के ड्रेन प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। इसका हम पहले ये गोदरेज की मशीन है, इसका पिछला वाला ढक्कन हम खोल लेंगे और यहाँ पे इसके ड्रेन की जगह जो बनी होती है उसको हम खोल लेंगे, घुमा के खुल जाता है। इसके रबड़ को निकालेंगे बाहर और ये देखिए दोस्तों, इसकी जो रबड़ है यहाँ से कटी हुई है। ध्यान से देखिए, जो नीचे वाली गुलाई है वो वहाँ से कटी हुई है, इसलिए इस रबड़ को नई रबड़ डालनी पड़ेगी, ये रबड़ दोबारा यूज़ में नहीं होगी। और इसमें जो गंदगी होगी वो भी हमको साफ़ करनी है, तो साफ़ है, अगर गंदगी है तो उसको भी अच्छे से हम साफ़ करेंगे। तो ये हमने एक नई रबड़ लगा ली है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल गोल और साफ़ सुथरी है। और हम इसके जो ड्रेन वाली जगह है उसको भी हम एक ब्रश के साथ, टूथ ब्रश जो होता है उसके साथ साफ़ कर लेंगे। आप पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद हम इसकी ड्रेन को लगा देंगे। इसको हमने अच्छे से इसको कस देना है दोबारा मशीन में। हम उसके बाद पानी को डालेंगे और पानी डालने के बाद हम चेक करेंगे और इसका जो पानी है बाहर निकलना बंद हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें।